अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7 चैप्टर फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशंस एंड स्क्वायर रूट्स। पेज नंबर 109 पर आपको गिवन है 5.7। तो हमने यहाँ पर पहले एग्जांपल डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल आपको गिवन है पेज नंबर 108 पर। यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको गिवन है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.7 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको ये गिवन है, आप इसको सपोज कर लें, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x एंड माइनस 30, ये आपको गिवन है। फिर इसमें आप ये देखें डिवाइजर्स ऑफ 30, यहाँ पे जो नंबर है ना 30, इसको आप देखें द डिवाइजर्स ऑफ 30 आर। यहाँ पे वो नंबर्स लिखने हैं, यानी प्लस माइनस 1 के टेबल में 30 आता है, प्लस माइनस 2 के टेबल में भी 30 आता है, प्लस माइनस 3 के टेबल में भी आता है, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 15 एंड प्लस माइनस 30, ये वो नंबर्स हैं जो 30 को डिवाइड कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर इन्हीं नंबर्स में से एक एक नंबर पुट करते जाना है, x को रिप्लेस करते जाना है उससे। पुट x इज इक्वल टू 1, पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह लिख दिया 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 10, 1 का स्क्वायर प्लस 31, ब्रैकेट में 1 एंड माइनस 30। अब 1 का क्यूब 1 माइनस 10 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 31, 31 वन ज़ा 31 एंड माइनस 30। 1 माइनस 10 वन ज़ा 10 प्लस 31 एंड माइनस 30। अब आपने 10 में से 1 माइनस किया, माइनस 9 प्लस 31 माइनस 30। अब आपने यहाँ पे 30 एंड 9 मिलके बन गया 39 एंड प्लस 31, तो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास माइनस 8। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब आपने 1 पुट किया तो ये 0 नहीं आया, मीन्स कि ये फर्स्ट फैक्टर नहीं है। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमने इसमें से 1 पुट कर लिया प्लस में, अब हम इसमें से पुट करेंगे माइनस 1 पूरी इक्वेशन में। हमने उस टाइम तक करते जाना है जब तक कि रिजल्ट आपका 0 ना आ जाए। तो अब आप यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस 1, तो आपने लिखा पॉलिनोमियल माइनस 1, इक्वेशन है माइनस 1 का क्यूब माइनस 10, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 31, माइनस 1 एंड माइनस 30। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, फिर माइनस 10, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इवन नंबर है, देन प्लस माइनस माइनस 31 वन ज़ा 31 एंड माइनस 30। फिर आपने लिखा माइनस 1, माइनस 10, माइनस 31 एंड माइनस 30। अब आपने चेक किया कि यहाँ पे सारे साइन आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं माइनस के। 10 ओवर माइनस 11, माइनस 31 एंड माइनस 30। बहरहाल जो भी रिजल्ट आ रहा है डज नॉट इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं आ रहा, मीन्स कि यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, हमें वो वैल्यू चाहिए जो इक्वेशन को 0 कर दे। तो अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 2, नाउ हमने ये स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे कि सो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर नॉट फैक्टर्स ऑफ x प्लस 1 और नॉट फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी इस इक्वेशन में ना x माइनस 1 है फैक्टर और ना x प्लस 1 है इस इक्वेशन का फैक्टर। अब हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 2। अब हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेम वही है, x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x एंड माइनस 30। अब आपने यहाँ पर इक्वेशन में x की जगह 2 पुट किया,
देन सॉल्व किया, 2 का क्यूब 8 माइनस 10 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 वन ज़ार 2, 2 थ्री ज़ार 6, यानी कि 62 एंड माइनस 30। अब आपने लिखा 8, 10 फोर ज़ार 40 प्लस 62 एंड माइनस 30, माइनस 40 प्लस 8, तो आपके पास आ गया माइनस 38, माइनस 32 प्लस 60 एंड माइनस 30। अब आपने 60 में से 32 माइनस किए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 62, ठीक है, 40 में से 8 माइनस किए, माइनस 32 एंड प्लस 62 एंड माइनस 30। अब आपने 62 में से 32 माइनस किए तो आंसर आ जाएगा प्लस 30, और लिखा माइनस 30, ये जो है एज इट इज़, तो रिजल्ट आ गया ज़ीरो। तो उस टाइम रिजल्ट ज़ीरो आया जब आपने पुट किया x इज इक्वल टू 2, तो हम कह सकते हैं x माइनस 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमने आगे ये करना है कि हमने x माइनस 2, जो हमारे पास फैक्टर आ गया x माइनस 2, इससे हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ये कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम। पहले हमने डिवाइजर्स लिखे, यहाँ पे नंबर था 30, उसके कि 30 किसके टेबल में आता है, सारे नंबर्स लिख लिए। फिर हमने प्लस की वैल्यू पुट की, प्लस 1 की, रिजल्ट ज़ीरो नहीं आया। फिर माइनस 1 की, रिजल्ट ज़ीरो नहीं आया। फिर हम गए प्लस 2 पे, जब हमने x की जगह प्लस 2 पुट किया तो रिजल्ट आ गया ज़ीरो। जब रिजल्ट ज़ीरो आ गया तो हमें फर्स्ट फैक्टर मिल गया x माइनस 2। जब x माइनस 2 आ गया तो अब हमने इस पूरी इक्वेशन को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। हमने डिवाइड करने के लिए ये डिवाइड का बनाया आपने निशान, और फिर यहाँ अंदर वैल्यू पुट की और x माइनस 2 बाहर। अब हमने x क्यूब यहाँ पर है वेरिएबल और x यहाँ पर है, तो स्टेप ये करते हैं रफवर्क में कि x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, 3 में से 1 माइनस किया, आंसर आ गया x पे 2। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1, तो रिजल्ट आया x2। फिर जो आपके पास यहाँ x2 आंसर आ गया है, फिर x2 को आपने x माइनस 2 से, जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आया था उससे मल्टीप्लाई किया। x स्क्वायर को x से किया x क्यूब, x स्क्वायर को 2 से किया माइनस 2x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आपने यहाँ पुट किया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई आपने किया है यहाँ पे x स्क्वायर से। फिर आपने यहाँ साइन चेंज कर दिए, सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल हो गया। अब 10 माइनस में और 2 प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 2 गए 8, x स्क्वायर प्लस 31x एंड माइनस 30। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 8x स्क्वायर, तो माइनस 8x स्क्वायर को x से डिवाइड करें आप। रफ वर्क पे आ जाते हैं, माइनस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, रिजल्ट आएगा माइनस 8x। अब माइनस 8x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 8x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 8 टू जा 16x, तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x। साइन माइनस का यहाँ प्लस का सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप आंसर में ऐड कर देंगे माइनस 8x। अब आपके पास यहाँ 31 में से आपने 16 को माइनस करना है, क्योंकि हम इस प्लस के साइन को कंसिडर नहीं करते, प्लस माइनस माइनस, 31 के साथ प्लस का साइन है, आंसर प्लस में आएगा। 31 में से 16 को माइनस किया, आंसर आ गया 15x एंड माइनस 30। अब आपके पास यहाँ 15 है, x है और यहाँ पर x है, फिर आ जाते हैं रफ वर्क पे, तो आपने 15x को x से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 15। फिर 15 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 15x सा 15x एंड 15 टू सा 30, तो 15x माइनस 30 जो हमारा आंसर आ गया उसको हमने यहाँ लिख दिया, 15x माइनस 30, माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ प्लस का अपोजिट माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमेनिंग यहाँ कुछ नहीं रहा, और यहाँ हमने आंसर में ऐड कर देना है प्लस 15। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहा था फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तो इस मेथड को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
और यहाँ आप आंसर में लिख देंगे x माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. दिस इज द आंसर. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स. दीज आर द फैक्टर्स. लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं x माइनस 2 हमने एज इट इज लिख दिया, ये आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. x स्क्वायर एज इट इज लिखा, प्लस 15 ऐसे ही लिखा. अब हमने जब x स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 15x स्क्वायर. अब हमने मिड में टू टर्म्स ऐसी लिखनी है कि प्लस माइनस करें तो 8 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 15 बन जाए. तो हम इसका मेथड ये करते हैं कि 15 का एलसीएम ले लेते हैं, जो हम प्रीवियस करते हुए आ रहे हैं. 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. तो आपके पास आंसर आ गया माइनस 3x एंड माइनस 5x. माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15 और 3 को 5 में प्लस किया तो बन गया माइनस 8. अब आपने लिखा x माइनस 2, फिर लिखा कॉमन लिया आपने, x कॉमन लिया ब्रैकेट में आया x माइनस 3, इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन लिया ब्रैकेट में आया x एंड माइनस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस. फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा x माइनस 2. अब x माइनस 3 इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो आपने लिख दिया x माइनस 3 और यहाँ से रिमेनिंग x रह गया और यहाँ से माइनस 5, तो x माइनस 5. दिस इज़ द आंसर. दिस स्टेटमेंट इज द आंसर. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया. इसको देख लें आप लोग. ये है रिमाइंडर थ्योरम.